हाय, दिस इज़ मोहन राय। मैं आप लोगों का अपने कैरियर पथ इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ही हमारा मोशन का कुछ न्यूमेरिकल्स जब मैं करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था क्लास नाइन्थ का उसको। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना जो केमिस्ट्री का क्लास नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है वो मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग मैटर के बारे में सीखेंगे, मैटर क्या होता है, इसके कुछ कॉमन सी बातें जो आप पहले से भी जानते होंगे उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जब भी अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी आपको दिख रहा है, जैसे आपका बेंच हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया, आपका पेड़ हो गया, आपका ईंट हो गया, पत्थर हो गया, आप जो भी सोच लो, आप जो भी कल्पना कर सकते हो अपने आसपास के चीज़ों को, सभी क्या है, मैटर से बना है, ठीक है। तो मैटर से बना होता है। तो मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर, ठीक है। वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास हो और अगर उसको कहीं पर रख दिया जाए तो वो जगह कवर करे, कुछ स्पेस कवर करे, उसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में, मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला हम लोग का आता है एंशियंट इंडियन फिलोसोफर। ओके, एंशियंट इंडियन जो फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था पांच फॉर्म में। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ने बताया था कि दुनिया में जो भी वस्तु है, ठीक है, वो पाँच चीज़ों से मिल करके बना है। वो है हमारा सॉइल, एयर, वाटर, फायर और स्काई, जिसको पंच तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ने क्या बताया था कि कोई भी हमारे पास आसपास जो मैटर दिख रहा है वो बना हुआ है मिट्टी से, हवा से, जल से, अग्नि से और आकाश से, ठीक है। ये पांच तत्व है जिससे मिलकर के हर एक मैटर बना हुआ है, और जब वो डिस्ट्रॉय होता है तो इन्हीं पांचों तत्वों में वो अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन बात करें अगर मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में, तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग अपने आँखों से देख सकते हैं या फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई सब्सटेंस को टच कर रहे हैं तो आपको देखने में वो सॉफ्ट लग सकता है, हार्ड लग सकता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, एक जब मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, उसके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या करते हैं, वाटर बनाते हैं, उसी तरह से बहुत सारा केमिकल प्रॉपर्टी है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हो रहा है। आप अगर कोई पेपर को जला रहे हो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, उसमें केमिकल चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसका कॉमन पॉइंट था मैटर का। इंट्रोडक्शन में यही पढ़ना है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ओके, तो चलिए हम लोग अब मैटर को और थोड़े डिटेल से पढ़ते हैं और देखने का और समझने का कोशिश करते हैं कि मैटर कैसे बना होता है और इसमें क्या क्या खास बातें होते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो वो हमारा क्या होगा, मैटर इज मेड अप फ्रॉम पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो होता है फर्दर क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स का बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटम। एटम के बारे में आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लो क्या कहते हैं एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच कांट बी डिविजिबल, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसका साइज होता है 10^10 meter, ओके, और 10^8 centimeter। अब बात करें न्यूक्लियस का, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, मैटर का अंदर का पार्ट होता है। यहाँ पे आप देखो, अगर हम बोले ये एटम है, ठीक है, ये एटम है और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद में डिटेल से बताऊंगा। अगर ये पूरा आपका पूरा एटम हो गया तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस, ओके ना, ये समझ में आपको आ रहा होगा। उसके बाद कहते हैं इसका साइज कितना है, 10^-15 meter और 10^-12 centimeter। उसके बाद एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, देखिए जब कोई एक एटम खुद से, मतलब सिमिलर एटम जब कंबाइन करेगा ना, तो वो क्या बनाएगा, एलिमेंट बनाएगा, ओके। जैसे देख लीजिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेगा तो बनाएगा O2, ओके, ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। उसके बाद उसी तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करेगा तो बनेगा
हाइड्रोजन का एलिमेंट। ओके, तो ये क्या होता है, जब दो एटम कंबाइन करता है खुद से तो बनाता है क्या, एलिमेंट। ओके, तो आगे देखेंगे, आगे हमारा होगा एलिमेंट के बाद कंपाउंड। कंपाउंड क्या होगा, जब अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ेगा, ठीक है, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, कंपाउंड का। और जो कंपाउंड होगा वो डिविजिबल होगा सिर्फ केमिकली, मतलब उसको अगर सेपरेट करना है, अगर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है उसको सेपरेट करना है तो हम लोग केमिकली उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। जैसे हमारा एच हो गया, ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बनाएगा, H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर। अब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाएगा CO2। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। मिक्सचर क्या होगा, जब कोई दो या दो से अधिक कंपाउंड एक दूसरे से मिक्स करेगा तो मिक्सचर बनाएगा। इसमें क्या होगा, आपका कोई फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे बात करें, जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन और इसका रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो फिक्स होगा, कैसे, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, 16, और हाइड्रोजन का 1, तो ये 2:16 होगा या फिर 1:8 होगा। ओके, 1:8, ये हमेशा इसी रेशियो में बनाएगा। आप पानी किसी भी सोर्स से ले लो तो आपका हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन ये मिक्सचर में इस तरह का बात नहीं होगा। अब आगे समझने का कोशिश करते हैं। मिक्सचर में आपका देखिए एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं लेमोनेड, नींबू का अगर शरबत बना है वो मिक्सचर हो गया, या फिर NaCl प्लस सीसी शुगर। मान लीजिए आपको चीनी में नमक मिलाने का मन कर रहा है, और उसके बाद जो चीज़ हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। अब चलिए मैं थोड़ा सा आपको एटम के बारे में बता दूं। आप जब मैटर पढ़ रहे हैं तो एटम के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एटम बहुत ज़रूरी पार्ट है केमिस्ट्री का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका एक चैप्टर होगा अलग, उसके बारे में पढ़ना होगा। तो मान लीजिए आपका एटम, जैसा कि मैंने बताया था, आपका बना हुआ है इस तरह से। ओके, इस तरह से बना हुआ है एटम। तो एटम का इसको जो है ये पूरा का पूरा आपका कहलाएगा एटम। ओके, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। यहाँ पे आपका रहेगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये है आपका एटम का स्ट्रक्चर। ओके, आपका एटम का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये हमारा है सेल। आपको इसका भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाने के लिए मैं निकालने के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्लियरली इसमें बता दूंगा क्या होता है। मतलब आपका एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के बाहर सेल रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। अब देखिए आपका 6th-7th में एक क्वेश्चन था, Why an atom electrically neutral? सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे परेशान रहते हैं। तो आप समझ लो एक एटम है। ओके, कोई भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, सब का बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, मास का बात नहीं करेंगे, चार्ज का अगर बात करें तो ये हो गया 0, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। ओके, अब जैसे बात कर रहे हैं, हम लोग करते हैं बात ऑक्सीजन के एटम का। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है कितना, 8, इसका एटॉमिक वेट है 16, ठीक है। तो एटॉमिक वेट हमारा कहाँ से निकलेगा और एटॉमिक नंबर कहाँ से निकलेगा, एटॉमिक नंबर का बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। अगर एटॉमिक वेट का बात करें तो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, मतलब अगर उस एटम में जितना इलेक्ट्रॉन है या जितना प्रोटॉन है वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन
या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को जब जोड़ दें तो निकलता है हमारा ये वेट। तो अगर बात बोले न्यूट्रॉन का, इसमें ऑक्सीजन के एटम में कितना न्यूट्रॉन है, तो 16 माइनस 8 अगर कर देंगे तो 8 न्यूट्रॉन हो गया। तो इसमें हमारा हो गया, देखिए न्यूट्रॉन हो गया ऑक्सीजन एटम के लिए 8, इलेक्ट्रॉन हो गया 8 और प्रोटॉन हो गया 8, ठीक है। अब इस पर कोई चार्ज नहीं, इसका बात खत्म हो गया। इस पर माइनस चार्ज है, इस पर है प्लस चार्ज। तो माइनस और इस पर तो कोई चार्ज नहीं, इसका बात खत्म हो गया। माइनस और प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इस पर क्या चार्जलेस हो गया ना। यही क्वेश्चन था बचपन में, आप लोग जरूर कभी ना कभी फेस किए होंगे इस क्वेश्चन को और डिफ़िकल्टी हुआ होगा। तो कोई नहीं, आज यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 8, दोनों पे चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जो भी एटम रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, जो पार्टिकल होते हैं मैटर जिससे बना होता है। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे जो जिस पार्टिकल से मैटर बना होता है उसको क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, दे हैव सम स्पेस, ठीक है। इसके बारे में समझ लीजिए, आपको स्टेट ऑफ मैटर आगे पढ़ना है जिसमें क्या बताएगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, तो ठीक है। उसमें आपको पता चलेगा क्या, देखिए जब आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे ना तो आपको इस तरह से मैटर दिखेगा, ओके, यह है सॉलिड का। जब लिक्विड देखोगे उसमें इस तरह से रहेगा, और जब गैस देखोगे ना गैस, जो भी मैटर बना होता है पार्टिकल से उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और स्पेस होने की वजह से क्या होता है, वो मूव करता है, ठीक है, मूव करता है, एक दूसरे से टकराता है। जो भी ट्रांसफ़र करना होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करना हो या जो भी हो, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। तो सॉलिड में आपका पार्टिकल क्लोज होगा, इन दोनों के बीच में स्पेस होगा, लेकिन स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। ये सॉलिड का बात हो गया। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और गैस में पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेगा। ये हो गया पहला पॉइंट, सभी मैटर जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसी का ही बात करें, सबके बीच में क्या है, कुछ स्पेस होगा। और दूसरा जो पॉइंट कहता है, दे हैव कंटिन्यूसली मूविंग, ओके। ये जो पार्टिकल है, मैंने कहा सॉलिड का, अगर इस तरह से है आपका रेंज है, इस तरह से सॉलिड पार्टिकल, तो ये कंटिन्यूसली इधर और इधर हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, ठीक है। ये फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा, ये कम मूव करेगा। तो क्या करेगा, कंटिन्यूसली मूव करता है ये पार्टिकल। जैसे आप समझ लो, सॉलिड में तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप कहीं किसी सरफेस के ऊपर वाटर पार्टिकल कहने का मतलब है कि आप एक गिलास पानी लो और उसको सरफेस के ऊपर गिरा दो, तो आप क्या देखोगे कि थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, वो पानी एक जगह से अपना स्पेस एक जगह से दूसरे जगह तक चला गया। तो ये इससे क्या पता चलता है कि वो मोमेंट करता है। और सबसे जो ईजी एग्जाम्पल है मोमेंट का पार्टिकल का, वो गैस में आपको देखने को मिलेगा। गैस आप किसी भी कंटेनर में लीजिए, आप उसको भर दीजिए, वो पूरा हर तरफ से फैल जाएगा, वो कंटिन्यूसली मूव करता है, ठीक है। तो पार्टिकल जो होता है हमारा, जिससे मैटर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से, उन दोनों के बीच में स्पेस होता है। स्पेस होने के बाद क्या होता है, ये पार्टिकल कंटिन्यूसली बिना रुके हुए मूव करता है। तीसरा क्या कहता है, अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसके बीच में फोर्स लगता है। तो सॉलिड का ही हम लोग बात करेंगे, सॉलिड का जो पार्टिकल होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है स्ट्रांग फोर्स से, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फोर्स। और इस वजह से क्या होता है, एक डिफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर ये पार्टिकल जुड़ा नहीं होता, तो आप मान लो कि आपने यहाँ पे अगर एक ईंट रखा, ईंट का ब्लॉक रखा, आपने ईंट का ब्लॉक रखा, अगर ये एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, इधर उधर इसका पार्टिकल मैटर का बिखर जाएगा, तो ये इसका एक प्रोवाइड नहीं कर पाएगा शेप, ठीक है। और लिक्विड भी क्या होता है, आप उसको जिस मटेरियल कंटेनर के अंदर रख दीजिए, आपको वो
वैसा शेप ले लेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पानी रख करके किसी भी मटेरियल में आप फ्रिज में रख दो उसको, वो क्या होगा एक डिफरेंट शेप ले लेगा। आप ग्लास में रख रहे हैं तो ग्लास में, केतली में रख रहे हैं तो केतली का ले लेगा। और गैसियस, गैसियस में पार्टिकल दूर दूर होता है, काफ़ी दूर, तो इसमें जो होता है फोर्स वीक होता है। तो कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक और पार्टिकल का बात करें, पार्टिकल के कैरेक्टर का बात करें तो क्या होता है, पार्टिकल जो होता है मैटर का, उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस होता है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली मूव करता है, मूव करने की वजह से ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है और या फिर हीट को ट्रांसफ़र करता है। घर में अगर माँ खाना बना रही हो तो उसको आप डाल करके देखना, जब तक वो कढ़ाई में रहेगा तो उसका क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र करता है। अगर उसका पार्टिकल मूव नहीं करता तो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। और तीसरा हमारा क्या है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर, एक डिफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। किस वजह से, स्ट्रॉन्ग सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, अट्रैक्ट कर रहा है, वो क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, जिस वजह से एक डिफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। और इसमें थोड़ा कम होता है, लिक्विड में और गैस में बहुत कम होता है, ठीक है। ये हमारा आज टॉपिक ख़त्म हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी करवाइए ऑफकोर्स। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी टॉपिक में तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिए, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।